यहाँ पे मिलता है सिवान जिला का सबसे टेस्टी और सबसे सस्ता पनीर मलाई टिक्का। आए हाय, देखते मुंह से लार चू जाए। ये रहा चाइना टाउन फास्ट फूड काउंटर, नाम तो सुना ही होगा भाई सिवान में। लाल किला है भाई सिवान जिले का, देख लीजिए। देखिए इनके पास भाई मूर्ति एकदम मस्त मिलेगा, पनीर मलाई टिक्का। देखिए दीपू केसरी का वीडियो देख कर आए हैं तो 10% का डिस्काउंट यानी कि 90 रुपए का पड़ेगा। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, तो आज 9 नवंबर, अभी शाम के बज रहा है 4, और आज आप सभी को इस ब्लॉग में लेकर जाने वाला हूँ भैया सिवान जिला के महादेवा रोड में, और वहाँ पे टेस्ट कराने वाला हूँ सिवान जिला का सबसे सस्ता और सबसे टेस्टी पनीर टिक्का। जी है गाइस, भाई बहुत दिन से इंतजार था इस वीडियो का, मेरा खुद का, क्योंकि भाई सरदार जी जॉब जा रहे थे, जॉब दुकान बंद कर रहे थे, ठीक है। कल भी गया था एक दिन पहले, लेकिन कल चिकन वो बेच रहे थे, इसलिए मैं नहीं बनाया वीडियो। तो चलिए फाइनली आज मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ भैया महादेवा रोड में, और भाई बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। मैं टेस्ट भी किया था पिछले वीडियो में, आप सभी को दिखाया भी था। तो प्लीज चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर इस वीडियो को फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो भैया इंस्टाग्राम पर जुड़कर पूरा सिस्टम हैंग कर दीजिए। इसके बाद से भैया धनतेरस का वीडियो आएगा, दीपावली का आएगा, उसके बाद छठ पूजा का भी आएगा, तो इसलिए आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, बस ऐसा ही सिस्टम हैंग करते रहे। तो चलिए अपने बाइक राइडर यानी कि मेरी रानी के साथ आप सभी को लेकर चलते हैं, और आज का टेस्टी टेस्टी पनीर टिक्का खाते हैं, ठीक है। चलिए 1 2 3। हाँ जी, मेरा मुँह अल्लाह एकदम शांत। तो लीजिए यहाँ पे गुच्ची का चश्मा लगा लिए हैं, लग रहे हैं एकदम स्मार्ट, और आलिया का नाम लेकर की को करते ऑन। अब ये मत पूछिएगा कि आलिया कौन है, सिस्टम है अपना, इंस्टाग्राम पे आइएगा, वहीं पे बता दूंगा। तो चलिए बिना देर के वो लेकर चलते, नहीं तो शाम हो जाएगा तो वीडियो क्वालिटी लो आ जाएगा, तो हम करिया लोकेंगे तो फिर आप सभी इंप्रेस नहीं होइएगा, इंप्रेस नहीं होइएगा तो फिर मेरे को प्रपोज नहीं कीजिएगा, तो इंस्टाग्राम पर DM कैसे आएगा। चलिए हाँ जी, तो फाइनली मैं उस लोकेशन पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर आप सभी को टेस्ट कराने वाला हूँ भैया सिवान का सबसे टेस्टी और सबसे सस्ता पनीर टिक्का। तो चलिए बिना देर के आप सभी को सबसे पहले मैं लोकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद से पूछते हैं क्या क्या इनके पास मिलेगा, क्या रेट है सब कुछ, उसके बाद से ऑर्डर देंगे, फिर मलाई पनीर टिक्का चापेंगे पूरा बढ़िया से, ठीक है। बगल में यहाँ पे देख रहे हैं यही ठेला है सरदार जी का, जो कि सरदार जी फूड्स के नाम से है। अपना बाइक यानी कि रानी को यहाँ पे लगा दिया हूँ। चलिए बाइक कैमरा से आप सभी एड्रेस और प्लस उनका व्यू देखिए। ओके अजी, तो आप लोग को एड्रेस मैं बता दे रहा हूँ, ये रहा JP चौक से थोड़ा सा आगे जो रास्ता आता है महादेवा रोड वाला, वहाँ पे देख लीजिए कचौरी दुर्गा मंदिर, बगल में कचौरी कोर्ट कचहरी है, उसके थोड़ा सा आगे आइएगा जो कि दाना पानी है, और बगल में है चाइना फूड्स वाला, जस्ट उसके बगल में यहाँ पर है सरदार जी फूड्स का ये यूनिक सा काउंटर, ठीक है। इनके पास क्या क्या मिलता है आप सभी को बता दे रहा हूँ, और इधर देख लीजिए लोकेशन जो कि गांधी मैदान से जस्ट बगल वाला ही रास्ता आ रहा है, ठीक है, डाक बांग्ला रोड और SDM ऑफिस भी आसपास में है, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसा इनका डेकोरेशन है सरदार जी फूड्स, कुछ यूनिक है, मतलब 2-3 महीना हो गया खोले हुए इनका, और यहाँ पे देख लीजिए यही तो है पनीर मलाई टिक्का। देखिए अब इसको गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा मलाई वलाई मार के उसके बाद से देंगे। तो सरदार जी यहाँ पे रहें, तो सरदार जी क्या 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 मिलेगा आपके पास? पनीर मलाई टिक्का है। अच्छा, वेज है। क्या रेट है पनीर मलाई टिक्का का? 100 रुपये है सर स्टील। 100 रुपये का है, देख लीजिए। ऐसा तो भाई सच बता रहे हैं आप सभी को, रेस्टोरेंट में तो मिलेगा ही नहीं, 250 रुपये का ऊपर रेट है इसका, लेकिन मात्र 100 रुपये में आप सभी देख सकते हैं। भाई कितना पीस है जी? 6 पीस, 5 पीस है क्या? इतना बड़ा बड़ा 5 पीस है, तो एक मेरे लिए पनीर मलाई टिक्का लगा दीजिए। और पनीर चिली का क्या रेट है आपके पास? पनीर चिली 150 रुपये, 12 पीस रहता है, 200 ग्राम पनीर रहता है। अच्छा, और ये मंचूरियन भी दे रहे हैं क्या? क्रिस्पी वेज है सर। क्रिस्पी वेज कितने का है? 100 रुपये में 16 पीस आएगा एक प्लेट में सर। वाह, इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं जी? अच्छा। तो चलिए मेरे लिए एक पनीर मलाई टिक्का लगा दीजिए, ठीक है। देख लीजिए मलाई अमूल का लगा रहे हैं, बस सिस्टम है इनका, ठीक है, देख लीजिए ना। तो यहाँ भी खाएं अंकल जी, कैसा लगा जी आपको? बहुत अमेजिंग। अच्छा लगा ना, मतलब रियली बताइएगा आपको जी। रेट कैसा है इनका? रेट भी सही, रेट सही है, रेस्टोरेंट से तो बहुत सस्ता है जहाँ तक मेरे को मालूम है। तो चलिए मेरे लिए सरदार जी जब फटाफट लगाइए, उसके बाद से हम भी खाकर बताते हैं कैसा लगता है। तो भाई लोग, मेरा पनीर मलाई टिक्का रेडी हो चुका है मात्र 10 मिनट में, चलिए देखते हैं कैसा टेस्ट है भाई इनका। भाई कैमरा से देख लीजिए, बहुत मुँह से पानी आ जाएगा। सामने ये रहा सरदार जी का ठेला, और वहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है पनीर मलाई टिक्का, ये रहा। वाह, सेम डायलॉग सेम टेस्ट के साथ यहाँ पे देख लीजिए पनीर मलाई टिक्का, जो कि यहाँ पे 5 पीस पनीर दिए हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा पनीर है, देख लीजिए पनीर, मतलब ऐसा हम पनीर टिक्का खाए थे 280 रुपये में वहाँ पे बाबूज में, लेकिन भाई यहाँ पे बहुत सस्ता है। तो चलिए खाकर टेस्ट आप सभी को बताते हैं। तो भाई लोग, मोबाइल एकदम स्टैंड पर पूरा फिक्स कर दिए हैं, आराम से एकदम व्यू देखिए खाने का, ये देखिए, ये रहा पनीर मलाई टिक्का।
एकदम सच बता रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है। हम तो एकदम पक्का बोल रहे हैं आप सभी से, मैं छठ पूजा तक ना मेरे पास ओनली पनीर वाला मिलेगा आइटम, ओनली पनीर खाऊंगा छठ तक जाकर डेली। हाँ जी, तो फाइनली मैं खा लिया हूँ भाई, टेस्ट एकदम सच बता रहे, एकदम रियलिटी, बिना पैसे लिए हुए भाई प्रमोशन मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई फेंक रहा हूँ पैसा लेकर, ठीक है, बिना पैसे का कर रहा हूँ, तो भाई एकदम रियलिटी बता रहा हूँ कि सच में मस्त लगा भाई टेस्ट एकदम। अरे सरदार जी से थोड़ा सा ऑफर के बारे में पता करते हैं भाई, हमको तो पैसा नहीं चाहिए लेकिन हम चाहते हैं कि भाई आप सभी के लिए कुछ छूट मिले, तो यहाँ पे देख लीजिए अभी पूरा लगा कर रख ही रहे हैं। तब आपका तो भाई टेस्ट बहुत अच्छा लगा हमको, हम पहले भी बताए थे आपको कि अच्छा लगा, और इनके पास आप सभी को बता दूं कि अभी तो क्या बोलते हैं छठ पूजा तक ले आप सभी को ओनली वेज मिलेगा पनीर का आइटम, उसके बाद से सोया चाप मिलेगा, ठीक है, लेकिन छठ पूजा बाद से नॉन वेज और वेज दोनों मिलेगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं चिकन टिक्का खाइएगा ना, वो भी मस्त, हाँ मलाई टिक्का भाई, बिना मलाई का नहीं देते हैं, मस्त। बहुत सारा आइटम है इनके पास नया नया जो कि एकदम सस्ता है, रेस्टोरेंट में जाने का तो जरूरत नहीं है, हम तो भाई सस्ता वाला सामान दिखाते हैं आप सभी को, तो भाई रेस्टोरेंट में जाने से पहले एक बार इनके पास खा लीजिएगा, सच बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट भूला जाइएगा, चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो सिवान में, ठीक है, तो चलिए क्या बोलते हैं, कुछ ऑफर रहेगा कि नहीं, कोई आएगा अगर वीडियो देख कर आपका वीडियो देख के जो आएगा सब्सक्राइब एंड लाइक करेगा, अच्छा 10% की छूट दी जाएगी। अच्छा चलिए देखिए, तो भाई आप सभी के लिए फायदा करा दिए कि नहीं, 10% की ऑफर रहेगा, 100 रुपया में भाई दे रहे हैं ना, हम खुद सस्पेंशन में है कि पता नहीं क्या कमाते होंगे, उस पे भी 10% छूट रहेगा, यानी कि 10 रुपया और सब्सक्राइब करेगा आपके चैनल को और लाइक करेगा। देखिए तो भाई इतना बड़ा दिल होना चाहिए, सरदार जी का तो भाई पहले ही से दिल बड़ा रहता है, बताइए। तो भाई आप सभी वीडियो देख कर आए तो प्लीज इनको बताएं भाई कि दीपू केसरी का वीडियो देख कर आए हैं, तो 10% का डिस्काउंट यानी कि 90 रुपये का पड़ेगा, 500 का लीजिएगा तो 50 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, तो प्लीज आइएगा यहाँ पे बताइएगा भाई, सच बता रहे हैं भाई, रियलिटी है, कोई प्रमोशन पैसा नहीं है। एक बात बता दीजिए, मैं पैसा नहीं लिए आपसे 1 रुपया भी नहीं, डिमांड भी नहीं किए हैं सरदार जी की, मतलब सारे लोग इनका वीडियो देखता है, मतलब इनके घर में तो सारे लोग बोला था कि भाई बना दीजिए, तो हम बना दिए भाई, अपना सिवान है भाई, सबको सपोर्ट है, और बगल में है चाइना फूड थोड़ा सा आप सभी को बैक कैमरा से दिखा देते हैं, इनके पास तो फास्ट फूड मिलेगा लेकिन इनके पास जो आइटम मिलेगा वो पनीर वाला प्रोटीन मिलेगा चलिए उनका भी थोड़ा सा दिखाते हैं। हाँ जी, आप लोग सोचिएगा कि इधर बोल दिया बकर बकर पैसा नहीं दे रहा है, देखिए पैसा देखिए लीजिए जी पैसा, देख लीजिए दे दिए ना, हमको डिस्काउंट नहीं मिला है 10%, आपको मिलेगा समझ लीजिए, ठीक है, तो आप आइएगा तो बोलिएगा 10% मिलेगा, 10 रुपये भाई खा लीजिएगा, उधर गुपचुप गुपचुप खाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। चलिए भाई कैमरा दिखाते हैं और कुछ, उसके बाद से चलते हैं घर। बस भैया मेरा वीडियो देखते हैं कैसा लगता है जी, वीडियो मेरा अच्छा लगता है ना, यहाँ पे खाएँ कि नहीं इनके पास, खा कर देखिएगा एकदम मस्त लगेगा, चलिए भाई भाई कैमरा चलिए भाई लोग, यहाँ पे तो सरदार जी फूड्स है, इनके पास खाइएगा, और जस्ट इनके बगल में है चाइना टाउन, इस चाइना से नहीं आए हैं लोग, ये आए हैं लोग अपना दोस्त मित्र हैं लोग, इंडिया का मित्र नेपाल, आप लोग नेपाल के ना हैं, देखिए तो भाई अपने भाई हैं लोग, तो सारे लोग यहाँ पे, इनके पास मतलब चाउमीन मिल जाएगा, और सबसे फेवरेट मेरा और मेरे पूरे परिवार का स्प्रिंग रोल, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच फ्राई भी मिल जाएगा, बर्गर भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा जी भाई, अपना ही दुकान में तुम देखते हैं कि रोज़ खाते ही रहता है यार, लोगों को खिलाओ यार, कल भी देखे तो खा ही रहा था चलिए भाई बहुत अच्छा लगा, इनके पास भी खाइएगा मस्त, इनके पास भी आइटम मिलता है, पनीर चिली से लेकर मंचूरियन मोमो सारा आइटम बेचते हैं लोग, लग रहा है कि पूरा सिवान का पैसा नेपाल लेकर जाएंगे लोग नहीं करिए मजाक है सब, लेकिन आइएगा इनके पास भी, ठीक है, ये सबको सपोर्ट है भाई, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब मेरे रानी उधर इंतजार कर रही होगी, अभी घूम रहे हैं गांधी मैदान में, देखिए मस्त लगता है भाई, बार बार दिखाते हैं हमको खुद ही अच्छा लगता है, लाल किला है भाई सिवान जिले का, देख लीजिए ये सारे लोग बैठ कर अपना बुढ़ापा को जवानी में तब्दील कर रहे हैं। ओके चल मेरी जान, एक ही यहाँ से भाई क्यों चलता है, मेरा सिस्टम है, गाना बजा तब तेरा नाम मैं लिख दिया, बहुत भीड़ हो रहा है भाई, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा नहीं, देख लीजिए। चलिए मार्केट में लेकर चलते हैं आप सभी को, दिवाली का मार्केट दिखाता हूँ भाई, बहुत भीड़ लगा हुआ है, ठीक है भागिए। तो भाई लोग अभी मैं मार्केट में आया हूँ अपने दुकान के ठीक सामने, यहाँ पे देख लीजिए महेश कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सारा दुकान लगा हुआ है भाई दिवाली में, यहाँ पे देख लीजिए नोट माला का है, इनके पास पूरा दिवाली का सामान मिल रहा है, देख लीजिए लोग
पूरा मस्त सजा है इनके, याद कर लीजिए, सस्ता दीजिएगा जी, इनका भी दुकान पूरा सजाया गया है। क्या हो, सस्ता देवे के पड़ी, कोई भी कस्टमर आएगा भैया इससे देखकर वीडियो तो सस्ता दीजिएगा। देखिए इनके पास भाई मूर्ति एकदम मस्त मिलेगा, देख रहे हैं एकदम यूनिक वाला मूर्ति है पूरा, इधर मूर्ति का ये मिल जाएगा रखने के लिए, ठीक है। और उधर भी दुकान है सब मूर्ति के, कहीं से भी खरीदिए, और इधर अपना दुकान लगा हुआ है देख लिए, और सामने यहाँ पे देखिए पूरा हेवी दुकान सजा है जी, उधर भी दुकान है, इधर भी है, इधर भी मूर्ति मिल रहा है। वाह वाह, जय हो गणेश भगवान। अभी उतना भीड़ नहीं है, कल से भीड़ होगा, कल धनतेरस है, तो आइएगा लोग, इधर सारा कुछ मिल जाएगा दिवाली का सब सामान, ठीक है। हाँ जी, अभी रात का बज गया 10, और अभी तक मैं अपने गोदाम में पूरा माल आया था भाई, पूरा माल खोल कर बुरा वाला पूरा साज दिए एकदम फिट, पूरा मेहनत जबरदस्त चल रहा है भाई, क्या कीजिएगा। शाम के टाइम पे ब्लॉगिंग, रात को मेहनत, दिन भर मेहनत, और सुबह में एडिटिंग 2-3 घंटा, आप समझ लीजिए अब कितना मेहनत करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप सभी का प्यार इतना मिल रहा है तो भाई ठीक है, उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा। चलिए अभी सबको पूरा पैक हो करके इसमें बंद कर देते हैं गोदाम को, पूरा माल देख रहे हैं भर दिए हैं, अंधेरा अभी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस वाले वीडियो का यहीं पेंट करते हैं भाई, प्लीज़ वहाँ पे जाइएगा तो आप सभी 10 रुपये मतलब 10% का कूपन अप्लाई करने के लिए बोलिएगा कि दीपू केसरी का वीडियो देख कर आए हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, एकदम 100% है, ठीक है। बस छोटे मोटे दुकान को मैं सपोर्ट ऐसा ही करते रहूँगा, बड़ा दुकानदार से भाई पैसा लेकर ही वीडियो बनाऊँगा, मतलब अभी नहीं बाद में बनाऊँगा, अभी किसी का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, एकदम बिंदास ऐसा ही सपोर्ट कीजिए, निस्वार्थ भाव से एकदम पूरा दबा कर शेयर कीजिए, और चैनल पर आता पेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर वीडियो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए भाई, वहाँ पे आइए, वहाँ पे बातचीत सब कुछ होते रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिवान, जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय हो कैपिटी स्टोर, जिसकी वजह से वीडियो बन रहा है, दिन भर खा रहे हैं यही सब मेहनत करके भाई, इसी सब के पैसा से वजह से सब कुछ हो रहा है, समझे। चलिए मिलते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, इसी अंधेरिया के साथ, बाय बाय।